गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके कम चैप्टर फर्स्ट के अंदर विजुअल बेसिक्स के अंदर फॉर्म लेआउट के बारे में। ठीक है, फॉर्म लेआउट क्या होता है, किस लिए यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में। देखो, फर्स्ट है हमारा फॉर्म लेआउट विंडो। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम, फॉर्म लेआउट विंडो के बारे में। ये क्या यूज होता है, किस लिए होता है वो देखते हैं हम। फॉर्म लेआउट विंडो क्या होती है? द फॉर्म लेआउट विंडो डिस्प्ले द इनिशियल इनिशियल पोजिशन एंड रिलेटिव रिलेटिव साइज ऑफ द कंट फॉर्म। ठीक है, क्या होता है वो देखो। द फॉर्म लेआउट लेआउट विंडो डिस्प्ले द इनिशियल पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द करंट फॉर्म। यानी कि ये आपको क्या शो करता है, इनिशियल पोजिशन यानी कि स्टार्टिंग की जो पोजिशन है उसका साइज, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जो आपको क्या दिखाता है, आपकी पोजिशन, आपका साइज। ठीक है, फॉर्म के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, क्या साइज है। ठीक है, ये चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कहां पर किसी फॉर्म की पोजीशन है, कहां पर कितना उसका साइज है। ठीक है, किसी विंडो के अंदर नोट करो आप इसको। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज विंडो। नेक्स्ट है हमारा आपका प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है देखो। द प्रॉपर्टी विंडो द प्रॉपर्टी विंडो कंसिस्ट दी
डिजाइन टाइम प्रॉपर्टी फॉर ए सिलेक्टिव फॉर्म और ए सिलेक्टेड फॉर्म, ठीक है। कंट्रोल क्लासेस मॉड्यूल और द मेन्यू फॉर्म कंट्रोल क्लास मॉड्यूल, ठीक है, और मेन्यू। यानी कि प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, आपके फॉर्म के अंदर एक ऐसा टूल, यानी कि फॉर्म के अंदर एक ऐसा विंडो के अंदर ऐसा ऑप्शन है जो आपके फॉर्म को कंट्रोल करता है। उसके अंदर कैटेगरी डिवाइड करता है, क्लासेस डिवाइड करता है, मॉड्यूल अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाता है और मेन्यू के अंदर सब चीजों को शो करता है। वो सब चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे हम, कि क्या क्या टाइप्स हैं उसके, कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे आप, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, थ्री मेन स्टेप टू क्रिएटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, क्या है तीन आपके मेन स्टेप हैं। देखो कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्टली है आपका क्रिएटिंग द इंटरफेस, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका वो देखते हैं, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। पहला है क्रिएटिंग इंटरफेस, यानी कि एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम काम करेंगे। सेटिंग प्रॉपर्टी फॉर द ऑब्जेक्ट, उसके जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज की सेटिंग देखेंगे, कौन कौन से टूल हमें प्रोवाइड होते हैं, क्या क्या इफेक्टिव तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग इवेंट प्रोसीजर, यानी कि किस किस प्रोसेस के थ्रू हम काम करेंगे इसके अंदर। ये तीन स्टेप हैं आपके किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। नोट करो आप इसको।